इस देश में न्यायालय की क्या जरूरत है, सत्ता तो हर फैसला लेने में सक्षम दिख रही है। हाँ, लेकिन उन्हीं फैसलों पर मोहर न्यायालय की ही है। न्यायालय के बिना इस देश में अगर किसी भी चीज पर कोई गलत काम होता है तो तुरंत हंटर चलता है कि नहीं चलता। इस देश में अगर किसी के साथ गलत होता है तो न्यायालय उस पर आदेश देता है कि नहीं देता है। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी है कि अगर कुछ ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई उसमें जिसमें गलत तरीके से किसी का घर या कुछ भी गिराया गया उस पर न्यायालय का चाबुक चला। लेकिन अगर एक आदमी लोगों को परेशान कर रहा है, बेटियों को परेशान कर रहा है, महिलाओं को परेशान कर रहा है, उनके साथ बलात्कार कर रहा है, पुलिस वालों को मार रहा है, उसके घर वालों को मार रहा है और पूरे शहर में आतंक फैलाए हुए, प्रदेश में आतंक फैलाए हुए, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट और सही है? बाकी सबने सारे ट्रीटमेंट करके देखे। नहीं नहीं, तो इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है ना शिवम त्यागी जी, क्या ये बुलडोजर ये जस्टिस का प्रतीक है? क्योंकि कई मामलों पर हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। मैंने तो बिल्कुल कहा कि कहीं पर इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर क्रिमिनल्स को, अगर बलात्कारी को, अगर मर्डर करने वाले को ठीक रखना है, चीजें बेहतर रखनी है, तो ये मॉडल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी सक्सेसफुल है। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में शायद आपको लग रहा हो तालियां बजाने का मन कर रहा है, और ये इसलिए मन कर रहा है शिवम त्यागी मेरा, कि इसका मतलब इस देश में न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है, सत्ता ही सब फैसला ले लेंगी, और न्यायालय के फैसले आने से पहले ही सत्ता जो है वो ये तय कर लेगी कि हाँ साहब, इस व्यक्ति ने मर्डर किया है या ये व्यक्ति आतंकवादी है। भाई, तो तानाशाही ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारे देश में जो चार तानाशाही उनकी कोई जरूरत ठीक नहीं है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? जवाब भी अपने आप ही दे दिया, मौका तो दे दीजिए। आप तालियां बजा सकते हैं, बिल्कुल बजा सकते हैं भाई, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि जिसके घर में जिसकी बेटी के साथ बलात्कार होता है उससे जाकर पूछिए ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि तालियां बजाने का मतलब क्या है। जिसके घर में छह लोगों को मार दिया गया उनसे पूछिए ना, बताइए ना तालियां। शोभना जी, अगर वन टू वन बोले तब बात लोगों को समझ में आएगी, दर्शकों को समझ में आएगी, सामने जो पब्लिक बैठी है वो भी समझ पाएगी, क्योंकि हम गंभीर चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए, दोनों पक्षों को हम चर्चा कर रहे हैं जी। विजय सिंह, धनंजय सिंह, बुलडोजर राजा भैया, अशोक चंदेल, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, इनके खिलाफ कब कानूनी कार्रवाई होगी और कब इनके घर पे बुलडोजर चलेगा, ये बताइए। मगर जब ये मुसलमान होता है तो आप जो है वो बुलडोजर लेकर जाकर उनके मकानों और उनकी दुकानों को टारगेट करते हैं। ये भाजपा सरकार जो है मुस्लिम विरोधी सरकार। एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने कुछ नाम गिना दिए कि इनके घर पर बुलडोजर कब चल रहा है। प्रदीप भाटी जी, देखिए, बशीर भट्ट साहब का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रतीकात्मक बना दिया है बुलडोजर को, बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो नहीं सकता है। देश में अगर कार्य प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, संविधान है, लोकतंत्र है, तो देश उसी से चलेगा। ये किसी, अगर इसकी जगह कोई हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, इसकी जगह अगर हम किसी महापुरुषों की फोटो लगाते, उनके लिए गुणगान करते, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। इस तरह की अगर आप राजनीति के लिए दो मिनट की आप नेम और फ्रेम के लिए अगर देश को और प्रदेश को चलाना चाहेंगे, तो हमने देखा किस तरह से कानपुर में माँ बेटी को किस तरह से मार दिया गया इसी बुलडोजर का। अगर बुलडोजर चलना है, एक बात और कह देती हूँ शोभना जी, अगर ये नेम और फ्रेम की बात नहीं होती तो आप देखिए आज टर्मिनल वन दिल्ली पे किस तरह से लोग मर गए, वो एक भ्रष्टाचार का केस रहा, उस तरह से एक पुल बनाया गया बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी, इन दोनों का इलेक्शन से पहले उद्घाटन किया। हम बुलडोजर को प्रतीक नहीं मानते हैं, इर्द गिर्द बहस को रखें। बिल्कुल, ये बुलडोजर, मैं वही बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाइए, भाटी साहब हो गया, बिल्कुल ठीक है, भाटी साहब हो गया। विवेक श्रीवास्तव, जब ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है तो हाहाकार मच जाता है, गलत हो रहा है साहब, बिल्कुल अन्याय हो रहा है, लेकिन यही बुलडोजर जब टीएमसी चलाती है और पश्चिम बंगाल में चलता है तो ये बुलडोजर सही हो जाता है। देखिए, बुलडोजर है, बुलडोजर गलत है, और भाजपा का बाबा का बुलडोजर, इन्होंने अपनी मार्केटिंग करने के लिए कि चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड खेलें, पोलराइज करें वोट्स को, मुसलमानों की आवाम को टारगेट करें, इन्होंने कहा साहब बाबा का बुलडोजर है आ जाएगा, और बाबा का बुलडोजर सब कुछ रोक देगा, ध्वस्त कर देगा। मेरे मित्र शिवम त्यागी ने क्या क्या बोला, ये घर तोड़ने की छिटपुट घटनाएं, एक घर बनाने में इस देश के अंदर, ये गरीब देश है,
पूरे पूरी कमाई लग जाती है, एक परिवार ध्वस्त हो जाता, कहते हैं साहब ये छिटपुट घटना है। और दूसरी बात, आप ऐसा इल्लीगल घर बनने क्यों देते हैं? पहले हमारा प्रशासन घर और स्ट्रक्चर और दुकान को बनने देगा, पैसा खाएगा, अलाउ करेगा, और उसके बाद ये बहाना बना करके उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे सेलेक्टिवली माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जब हुआ था जी, मैं पहला आदमी था, हम वहां पहुंचे थे, उसके बाद ये बड़ी कोइंसिडेंस और इत्तेफाक की बात मतलब है। आप यही कह रहे हैं कि सेलेक्टिवली आपका अप्रोच रहता है, सेलेक्टिवली आपका एक्शन होता है सिर्फ 10 सेकंड समुदाय के खिलाफ। प्रत्युष भाई 10 सेकंड सिर्फ और बोलूंगा, तो जहांगीरपुरी में कहां यहां पे कम्युनल वायलेंस की बात हो रही थी, अचानक एमसीडी का बुलडोजर भी आ गया और हटाने लगा। कॉम्रेड वृंदा करात को सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट ला करके बुलडोजर के सामने खड़ा होना पड़ा। और किसकी दुकानें तोड़ी गई? जूस वाला, पंचर वाला, छोटा सा किराने वाला, सड़क के किनारे चाय वाला, वो सारे, आप सारे फोरम में जाइए जहां आपके मेंबर पार्लियामेंट के, वो सारे आंकड़े दर्शकों के सामने, वो डेटा भी हम रखेंगे। लेकिन एके वाजपेयी साहब, जो बहस हो रही है ना कि अगर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई रेप करता है, कोई क्राइम करता है, हीनियस क्राइम करता है, तो क्यों नहीं कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए? क्या बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए? मैं देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक टिप्पणी पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा उज्जैन नगर निगम ने एक पीड़ित का घर तोड़ा था, वो कोर्ट चले गई और कोर्ट की टिप्पणी गौर कीजिएगा क्या कहता है। कोर्ट कहता है नियम का पालन किए बगैर मकान तोड़ना और खबर छपवाना फैशन सा बन गया है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया नगर निगम को कि इसको मुआवजा दो और घर दो। देखिए प्रीतेश जी, सरकारें जो हैं वो कानून की परिधि में चला करती हैं, संविधान की परिधि में चला करती हैं और चल नहीं रही हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और बुलडोजर जो है किसी चीज का प्रतीक नहीं है। जनता को ये समझना होगा कि बुलडोजर क्यों चलता है, कैसे चलता है और कहाँ चलाया जाता है। अगर आप कानून तोड़ के सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो बुलडोजर चल सकता है, कानून इसकी इजाजत देता है। प्लीज प्लीज, नक्शा पास नहीं है, इजाजत देता है। मुख्यमंत्री जी का आवास का भी नक्शा पास नहीं है उत्तर प्रदेश के, बुलडोजर चला रहे अपने मकान पे। चलिए बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, जवाब सुनिए। अगर सरकार की जमीन पे कब्जा करोगे तो उसके लिए एक कानून होता है पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट। और पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट ये कहता है कि आप शोकॉज नोटिस देंगे, उसके बाद डिमोलिशन ऑर्डर पास करेंगे। तो 100% केसेस में सरकार पूरी प्रक्रिया का पालन करती है और उसके बाद कार्रवाई कर जाती है, चाहे वो क्रिमिनल की है, चाहे गरीब आदमी की है, चाहे अभी आदमी कब टूटेंगे जहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस अरबपतियों के मेंबर पार्लियामेंट के हैं। ये सवाल हमेशा उठता है, ये सवाल हमेशा उठता है। कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है कि आप अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से सरकार की जमीन पर। अच्छा, कानून ये इजाजत देता है वाजपेयी साहब की बेटा क्राइम करे और बाप का घर तोड़ दो? बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं। क्यों कर रही है सरकार? जमीन के मकान बेटे ने बनाया है तो उसका तोड़ने का अधिकार है। पर हो कुछ और रहा है। चलिए मैं जल्दी से सौमित सेन का रुख कर लेती हूँ। सौमित सेन हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सौमित, उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर गरज रहा है, पश्चिम बंगाल में ममता का बुलडोजर गरज रहा है, लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी, क्या कहना है? देखिए, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये बीजेपी का ऑफिस है और बीजेपी के इस ऑफिस पे कल अचानक से बुलडोजर गिरा और ये पूरी तरह से बीजेपी को ये तारा तला का इलाका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आसपास का जो घर है, अगर ये जो जगह है ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का है, लेकिन आसपास के किसी भी घर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ममता बनर्जी ने फटकार लगाई थी सोमवार को कि ज़्यादातर जगह पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बीजेपी के ऑफिस पर ही कार्रवाई हुआ, आसपास के कहीं पे भी कार्रवाई नहीं हुआ। हालांकि कोलकाता शहर या फिर राज्य के अन्य जगह पर भी हुआ है, लेकिन सवाल यह भी उठा है कि क्या जातपात के आधार पर यह कार्रवाई किया जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी विरोधी नेता बीजेपी के, उन्होंने यह सवाल उठाया था जैसे ही यह ऑपरेशन शुरू हुआ और बताया था कि कुछ जगह पर, खासकर कोलकाता में मेटिया बुरुज, पाक सक्कस, राजा बाजारी से इलाका का नाम लेकर बताया कि वहां पर अगर, क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा है तो वहां पर एक्शन नहीं हो रहा है, वहां पर समय दिया जा रहा है, लेकिन जहां पर हिंदू ज्यादा रहते हैं वहां पर मुझे लगता है प्रत्युष फैशन बन गया है। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा एक्शन हो तो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात की जाती है। जिस वक्त हम ये डिबेट कर रहे हैं और लोग इसे देख रहे हैं, इस वक्त भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा होगा। देश में 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये बुलडोजर कार्रवाई होती रही है। और मतलब एक एक कहते हैं ना कि एक सिंबल सा बन गया पॉलिटिक्स में शोभना, कि आपको अगर
जस्टिस दिखाना है तो आप बुलडोजर कार्रवाई कर दीजिए, उसके बाद आप चर्चा में आ जाइए। और बिल्कुल प्रत्युष, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको याद होगा तो 70 के दशक में या 80 के दशक में जिस समय अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी और एक्शन एंग्री मैन एंग्री यंग मैन दिखता था तो लोग बहुत तालियां पीटते थे भले ही वो डॉन क्यों ना बना हुआ हो। और मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक एप्रिसिएशन है या पसंद है उसी का सत्ता जो है उसी चीज को इस्तेमाल कर रही है और शायद उसी एंग्री यंग मैन बनने की भूमिका में अब इस देश के मुख्यमंत्री और इस देश के नेता नजर आ रहे हैं। कामरान जी आपका रुख करूंगी, अगर एक सीनियर वकील हैं आप, अगर मैं वकील के नजरिए से कानून के नजरिए से इस बुलडोजर एक्शन को आंकना चाहूं, इसका आकलन करना चाहूं तो क्या गलत क्या सही? जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं तकरीबन जो है 150-200 लोग हैं हम यहां पर बैठे हुए हैं, तकरीबन जो है 90% लोगों का घर जो है वो अनऑथराइज होगा, इलीगल होगा अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि जो लोग नेता लोग जो हैं जो एक्शन ले रहे हैं दूसरों के खिलाफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इलीगल घर है, तो उन नेताओं के घर जो रिश्तेदार हैं और उन नेताओं के जो पार्टी को पार्टी मतलब उनके पार्टी के जो लोग हैं उनके घरों को जो है कहते ढूंढिए कि वो इलीगल घर पे रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या नहीं है उनका, और उनके खिलाफ जो है कंप्लेन फाइल करिए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करिए। आपके पास आऊं उससे पहले हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी नीतीश इस वक्त जुड़े। नीतीश, अकबर नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, यहां पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ, जो कार्रवाई हुआ, अतिक्रमण हटाया गया, वो चर्चा में है। और अब ये भी पता चल रहा है कि सरकार ने और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ और इलाकों को चिन्हित किया है, तो ये जो बार बार आरोप लग रहा है कि एक खास समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या ये सही है इल्जाम? तस्वीरें दिखा देते हैं, अकबर नगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से ये अवैध निर्माण हुए थे, ये पहले ये तस्वीर देख लीजिए। और जिस तरह से विशेष समुदाय की बात कही जा रही है उसमें दो तथ्य है। पहले दिन अगर बात करें तो जिस दिन अगर आप कोई अवैध निर्माण बनाते हैं तो उस दिन ही आपको सोच लेना चाहिए कि जब ये अवैध है तो आने वाले दिनों में इसकी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो उसका एक नतीजा आपके सामने ये तस्वीर देख लीजिए और ये ध्वस्त निर्माण देख लीजिए, कभी यहाँ पर घर हुआ करते थे। दूसरी बात विशेष समुदाय की बात है तो कोई विशेष समुदाय एक क्षेत्र में इतना नहीं रहता है, यहाँ पर अन्य समुदायों के लोग भी रहते थे, उनके भी घर टूटे थे। हालांकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते थे, चाहे अकबर नगर कह लीजिए, अपराध नगर कह लीजिए, वहां का भी चिन्हांकन हो चुका है और उसके आगे के अन्य क्षेत्र। और अब अगर बात करें तो नगर निगम की टीम जो है तालकटोरा क्षेत्र में भी अभियान चलाने वाली है सोमवार से, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में बिल्कुल ठीक है, कोई विशेष समुदाय कर देखिए, जब तक ये अवैध निर्माण गिराने तक है सत्ता की ये कार्रवाई या सरकारों की ये कार्रवाई तब तक ये ठीक है, लेकिन अगर घर में बेटा क्राइम करता है और पिता का घर गिराया जाता है, माता पिता को बेघर किया जाता है तो ये गलत है और इसी पर हमारी बहस चल रही है। मुबाशिर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अग्रवाला साहब आऊंगी आपके पास। मुबाशिर आपके साथ वो लोग मौजूद हैं जिनके घर पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जल्दी से बात कराइए। तो बिल्कुल देखिए शोभना जी, जिस तरीके से बुलडोजर का जो एक्शन हुआ बिना नोटिस, बिना जानकारी, बिना चीज को लेके, अगर कोई चीज इलीगल भी है तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी या नहीं जाएगी कानून के तहत, क्योंकि कानून के बहुत जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। जहां भी लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनसे एक बार मैं आपके बात करना चाहूँगा। अधिक जिस तरीके से अभी आप लोग अभी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, मैं दिल्ली समेत पूरे देश की भी अगर बात करूं, मैं कितना सही मानते हैं कितना गलत है इस चीज़ में? हम ये कहना चाहते हैं कि सन 76 से सबसे मंगलपुरी बसी है, हम यहाँ लोग बहुत प्यार से रहते हैं, ना मस्जिद तोड़ी जाए, ना मंदिर तोड़ी जाए, ना गिरजाघर तोड़ा जाए, ना कोई चर्च तोड़ा जाए, ना गुरुद्वारा तोड़ा जाए। ठीक है जी, जो ये कार्रवाई हुई है ये बहुत गलत कार्रवाई हुई है, क्योंकि कहीं मुस्लिम जाता है तो कहीं हिंदू जाता है, कहीं हिंदू जाता है कहीं मुस्लिम जाता है, तो ये देश सबका है। ठीक है जी, ये देश सबका है, सरकार को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। ठीक है, जो ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ना कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई हमारे पे सदर साहब को कोई मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाँ जी, मतलब कोई नोटिस भी नहीं मिला, यही बात मैं जानना चाहता हूँ। आदेश अग्रवाला साहब आप बेहतर बता पाएंगे, ये जो पूरी प्रक्रिया या प्रोसेस होती है ये क्या होती है? मतलब अगर कोई क्राइम में संलिप्त पाया गया तो सीधे बुलडोजर जाकर उसके घर में ध्वंस करना शुरू कर देगा या उसके पहले
नोटिस जाता है। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि बुलडोजर तभी पहुंचता है जब वो क्राइम में संलिप्त होता है, इसके पहले कोई नोटिस नहीं, कोई किसी को अवैध निर्माण नजर नहीं आता उससे पहले? अग्रवाल साहब देखिए क्या है, सरकार कई बार पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, ये दिखाने के लिए हमने क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लिया है, इस तरीके के काम करती है। परंतु कानून में कोई ये प्रोविजन नहीं है कि किसी क्रिमिनल का आप मकान तोड़ दो, परंतु दिखाया ये जाता है, चाहे बैड डेट में दिखाया जाता है कि इनको नोटिस दिया गया था। नोटिस ये जरूरी नहीं जो उस जगह रहता है उसी के हाथ में पकड़ाया जाए, जो भी वो झूठा दिखा देते हैं कि हमने फलाने आदमी को दे दिया, अपने आप सिग्नेचर मार लिए, वो बैक डेट में दिखाते हैं कि नोटिस बैक डेट में दिखा देते हैं, कागजी कार्रवाई अपनी पूरी करते हैं। परंतु जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी जो बता रहे थे वो बात मेरे हिसाब से टोटली गलत है कि केवल क्रिमिनल होने के कारण से तोड़ा जा रहा है। ठीक है अग्रवाल साहब, मैं आऊंगी आपके पास, मुबशिर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को बुलडोजर के बड़े शिकार, और वो बुलडोजर के बड़े शिकार मैं आपको बताती हूँ, विकास दुबे 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी जिसके घर पर ये बुलडोजर चला, मुख्तार अंसारी माफिया डॉन पर 60+ केस थे, अतीक अहमद माफिया डॉन जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे थे, बदन सिंह बद्दो मेरठ का डॉन जिस पर 40 मामले दर्ज हैं, राकेश यादव गोरखपुर के माफिया पर भी हुई कार्रवाई। जी हाँ, अब ये देखिए कि बुलडोजर की शुरुआत कैसे होती है। बिकरू कांड जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया था, बिकरू कांड के बाद ही बुलडोजर हाईलाइट हुआ, चर्चा में आया, विकास दुबे के घर पर चला था प्रशासन का बुलडोजर, बुलडोजर से मकान और गाड़ियों को तोड़ दिया गया था, विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, सबको याद होगा कैसे उस वक्त सुर्खियां बना था, और विकास और उसके साथी एनकाउंटर में मारे गए थे। सवाल प्रदीप भाटी जी आपसे, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो लोग, जो माफिया, जो अपराधी, जो अकूत संपत्ति, काली कमाई बनाते हैं, क्या उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए कार्रवाई तो कानून, क्या अतीक और मुख्तार के, क्या अतीक और मुख्तार के अवैध संपत्तियों को अगर बुलडोज किया गया तो क्या वो गलत था? देखिए कार्रवाई करने के लिए देश में संविधान है, देश में न्यायपालिका है, कानून अपना काम करता ही है। अगर आप इसी तरह से देखेंगे तो टेनी जो गृह मंत्री थे पहले, उनके बेटे ने निर्मम हत्या कर दी कितने किसानों की, उनके घर पर बुलडोजर चलाया क्या सरकार ने? ये सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूछा, क्या ये 5 कालिदास जो आज मुख्यमंत्री निवास है उत्तर प्रदेश का, क्या उसका नक्शा पास है? आप सवाल सबके लिए, आपने सवाल उठा दिए, तरह के सवाल आएंगे ले तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि जिस तरह से मैंने कहा कि जो नेम और फेम के लिए आप इस तरह से देश के संविधान को कुचल रहे हैं, इसको कोई कार्रवाई सही नहीं बताएगा। और ये बच्चे खास करके जो बैठे हैं पेपर लीक से परेशान है, जो पेपर लीक से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आप बुलडोजर चला के, आप बुलडोजर। Z News.